दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहो। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब लोग देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम भी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने ही मन में स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परातत्पर, नित्य ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानमय एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव सदा ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। श्री हरि एवं इंद्र आदि सभी देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी यह सत्य सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवादि देव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के लिए मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से वृत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ आकर किस अभिप्राय से आए हो, मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं, क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य ही जानते हो, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार के दुख प्राप्त हुए हैं, इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, उस दैत्य को यही वर मेरे द्वारा दिया गया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक की आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए
बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परातत् पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं ने अध्याय 24 भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का देवी पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम पे चले जाने पर माँ पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में ही अपने ही परातत् पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव्य शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उनका ध्येय वास्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभ ध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदनंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल हो कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी देवी पार्वती इस समय सुस्थिरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उसकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश्वरो, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वतः छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्न माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमयी दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और उनके विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। सप्त ऋषियों ने कहा, हे देवी गिरिजा नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के द्वारा इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरो, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है वह अपना विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि फिर भी कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लग गया है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ।
मेरा मन रूपी पक्षी बिना